हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इतने दिनों तक वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, और हम आज से जो है अभी से कंटिन्यू आगे करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा परसेंटेज है। ठीक है, और इसके पहले हमने देखिए बहुत सारे कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर, जैसे कि नंबर सिस्टम, और उसके बाद हमने एवरेज का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू कर रहे हैं परसेंटेज का। ठीक है, तो परसेंटेज का जो टॉपिक है, देखिएगा परसेंटेज में, तो सबसे पहले हम परसेंटेज पर बात करेंगे। परसेंटेज होता क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो लिखा है, प्रतिशत यानी लिखा हुआ, यानी कि प्रतिशत का मतलब, शत का मतलब होता है 100, और यहाँ पे प्रति का मतलब होता है प्रति, यानी प्रति 100 पे, यानी कि प्रति 100 का जो भाग है, यानी कि 100 में जो प्रति 100 का भाग है, यानी कि पार्ट है, जैसे हमने बोल दिया 20%, मतलब 100 में 20%, यानी कि 100 का 20% कितना, 20। तो ये 100 के जो भाग होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ जो होता है वो प्रत्येक 100 के लिए होता है, प्रत्येक 100 के लिए, या प्रत्येक 100 में किसी संख्या के एक्स प्रतिशत का अर्थ है उस संख्या के 100 बराबर भागों में से एक्स भाग होता है। जैसे कि 100 है, एक भाग है 100, तो इसमें से 20% जो नहीं, कि एक्स का वैल्यू जो है वो यही है, एक्स की वैल्यू 20%। ठीक है, जैसे 50%, तो 50 के यानी कि 100 भागों में से 50 भाग जो है, अर्थात यानी कि 50/100, 50/100, तो ये क्या है, इसे जो है 50% से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, सिंबल, ये जो साइन हमारा है, ये प्रतिशत को व्यक्त करता है, इसको बोलते हैं सिंबल, यानी कि साइन को, जो चिन्ह है ये, इसको हम प्रतिशत में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, यानी कि बताते हैं ये परसेंट का जो क्या है, साइन है। इसका मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 5 आगे, तो क्या लग गया, 5%। 5% का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक 100 में से 5 भाग, प्रत्येक 100 में से 5 भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जरूरी बात यह भी है कि परसेंट के कुछ ऐसे नंबर्स हैं, वैल्यू हैं, जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि भिन्न के पार्ट में होते हैं। ठीक है, जैसे वो उसे हमें याद करना कंपलसरी है, यानी कि आप जब जानोगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि लिखा है कि 1/2, 1/2 बराबर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, 50%। 1/2 अगर लिखा है तो इसका मतलब 50% है ना। तो अगर आप 50% को लिखो, जैसे 50% लिखा है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे आप, कि प्रत्येक 100 में से 50 भाग, ये तो लिखोगे। अब इसको काटोगे तो क्या होगा, देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, यानी कि 50% अगर कहीं लिखा है तो आप इसकी जगह पर 1/2% भी, 1/2 भी आप लिख सकते हैं, इसको जब हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल है जिस जो हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बाकी इसको आप जो है समझिएगा और इसको याद भी कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अगर कहीं पर 33 सही 1/3% लिखा है तो आप इसको 1/3 जो है लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है, बराबर है, मतलब 100 का 1/3। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 का 1/3, ये तो लिखोगे आप ना, तो 100 का 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 100/3, ये तो करोगे तो डिवाइड करोगे तो उसका कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, ये तो आएगा। तो बस हमने यही यहाँ पर फ्रैक्शन को क्या किया, भिन्न को परसेंट में बदल दिया है, तो 33 सही 1/3% हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1/4 है, अब इसको परसेंट में बदलना, कैसे लिखोगे आप, इसको लिख सकते हो 25%, कैसे, 100 में से 1/4, तो 4 एकम तो 100 कितना हो जाएगा, यहाँ काटो, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 25%, तो 25% आ गया, ये क्या हो जाएगा, परसेंट के रूप में हम इसको इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे फैक्टोरियल हैं जो आप इसको इजी तरीके से, मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या जब आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो उस PDF में ही मैं बहुत सारे ये जो परसेंटेज के होंगे क्वेश्चन इस टाइप के, मैं सारे वहाँ पे नोट में करके आपको दे दूंगा। ठीक है, आप जो है PDF जब इसकी प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मोहन की आय जो है सोहन की आय से 10% कम है। क्या है, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं
तो हमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो इसको बोलते हैं दोनों के बीच में तुलना करना, यानी कि कंपैरिजन करना। देखिए तुलना करना लिखा हुआ है, दोनों के बीच में तुलना करना, तो ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या करना होता है कि 100x और अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स हो जाता है, क्या होता है 100 प्लस माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये फार्मूले से जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं इस तरह से कंपैरिजन वाले यानी कि तुलना वाले क्वेश्चन, तो इस फार्मूले का हम मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 100 कितने एक्स की वैल्यू कितनी है, 10% है, तो 10% क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, तो हमने कम कर दिया, तो 100 × 10 हो जाएगा। अब कितने परसेंट कम है माइनस कर देना, अगर कम होगा यानी कि अगर कम है तो हमें क्या यूज़ करना है, माइनस, और अगर ज़्यादा है यानी कि बढ़ रहा है यानी कि क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है, मान लीजिए अगर मान लीजिए वृद्धि होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे, अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे और अगर घटेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, कम होगा तो माइनस करेंगे। तो बस हमने यहाँ पर लगा दिया 100 माइनस 10 कर दिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 × 10 कितना हो जाता है, 100 × 10 कर दिया। अब जब 100 × 10 करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 × 10 और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, अब यहाँ पे कितना जाएगा, 100 बटे 9 हो गया, यही तो होगा 100 बटे 9। अब इसको जब हम 9 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 11 सही 1 बटे 9 आ जाएगा, यही तो होगा। बस हमने सिंपल सा लिख दिया यानी कि कितने परसेंट कम हो जाएगा, कितने प्रतिशत कम होगा, 11 सही 1 बटे 9% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, करना कैसे है, जितने परसेंट मोहन की आय सोहन की आय से कितने परसेंट कम है, 10% कम है, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो तो माना मोहन की आय सोहन की आय से 10% कम है, माना मोहन की आय जो है कितनी है, मोहन की आय कितनी है, 100% 100% है। अब पूछ रहा है कि सोहन की आय, तो सोहन की आय इससे कितना परसेंट कम है, 10%, तो सोहन की आय कितनी हो गई, 90% हो गई। तो बस अब आपको बताना है कंपैरिजन, इन्हीं दोनों लोगों में तुलना करना है ना। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले ये बताइए किसकी आय से 10% कम है, सोहन की आय से, मोहन की आय जो है क्या है, सोहन की आय से 10% कम है। तो आप यही तो करोगे कि 100 × 10 और डिवाइड बाई 90, ठीक है, ये तो करोगे भाई, 100 × आपने 90 लिख लिया और गुड़े किससे करोगे, गुड़ा 10% करोगे, क्योंकि 10% की कंपैरिजन और तुलना करें, जिससे हम तुलना करते हैं हमने क्या कि गुड़ा कर दिया। अब यहाँ पे गुड़ा करें, देखिए देखिए इससे डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 100 × 100 आ जाएगा 11/1 11/9%, ठीक है, तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। तो बस बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझना है और हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो रूल को आप यहाँ पे मेथड को फॉलो करिएगा कि कितना हो जाएगा, 100x / 100 + -x कर देंगे हम, इस मेथड को यूज़ करते हैं जब भी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जब दो लोगों के बीच में तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 100 × x कितना है, 20 अपॉन क्या बोल रहा है, 20% अधिक बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20% अधिक बोल रहा है, तो अधिक के लिए क्या करना था, जब भी वृद्धि होगी तो 100 में क्या कर देना, जोड़ देना, कितना 20 जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 20 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 120, यही तो हुआ। जब 120 हो जाएगा तो अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम काट दें तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/6। अब जब 100/6 को जब हम काटेंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा, तो इतने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, कमी ही पूछ रहा ना, आय में ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बस हमें जिस चीज़ का हमें कंपैरिजन करना होता है हम उसी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है, यानी कि 100 × x / 100 + -20 एक्स कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि चावल के दाम में
25% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 25% की वृद्धि हो गई, जिससे किसी परिवार को चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए और जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, यानी कि जब दो वेरिएबल के गुणनफल पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो भी रूल हमारा क्या हो जाएगा? जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये भी यही होगा, 100x/100 प्लस माइनस एक्स कर देंगे, हम इस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए 100 मल्टीप्लाई एक्स कितना है? 25%। 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 100 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 125। अब 25 कितना हो जाएगा, 125। अब यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 20% की क्या हो रही है यहाँ पर, 20% की जो है क्या होगा, कम कर देना चाहिए। तो 20% यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना, 20% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हमारा आंसर कितना, 20% आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, हमें एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि पेट्रोल के दाम में 15% की कमी हो गई, जिससे किसी व्यक्ति को पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। तो हमारा आंसर कैसे होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई कितना जाएगा, 100 प्लस या माइनस कितना जाएगा, 15। तो अब हमें यहाँ पे प्लस करना है या माइनस करना है, यूज़ करना है इसी सूत्र को, तो यूज़ करना है फॉर्मूले को, तो वहाँ पे लिख दीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई 15। अब क्या करना है, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, कमी हो रही है तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 15। तो जब कमी हो जाएगी माइनस कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, अब 85 हो जाएगा, अब काट दीजिए, 5 3 15 और 5 1 5 5 7 35 तो आ गया 17। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 बटे 300, 100 × 3 करेंगे तो 300/70 हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 17/1/17, ये हो जाएगा परसेंट है। तो 17/11/17% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17/11/17। ठीक है, तो इतने परसेंट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इतना परसेंट बढ़ा देना चाहिए तभी जिससे कोई प्रभाव में किसी भी खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति यदि अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्या बोला है कि एक व्यक्ति यदि अपनी चाल में 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितने प्रतिशत की समय की बचत होगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बस बहुत कम टाइम यूज़ करना, बहुत जल्दी करना। देखिए 25% क्या करना है, बढ़ा देना है, मतलब कि 100 × 25 और बटे बढ़ाना है तो 125 लिख देंगे, सीधा जोड़ देना है ना, जोड़ेंगे तो 25/25 कितना हो जाएगा, 125 और 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो 20% की क्या हो जानी चाहिए यहाँ पे, 20% हमारा क्या होना चाहिए, दूरी तय करने में, यानी कि 25% बढ़ा दे तो एक निश्चित दूरी तय करने में कितने प्रतिशत समय की बचत होगी। तो कितने परसेंट की बचत होगी, 20% जो है समय की बचत हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमारा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए कुछ और एक दो एग्जांपल ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए परसेंट का थोड़ा सा बेसिक समझिए, जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है कि 625 कितना लिखा है, 625 रुपये का 8% ज्ञात करो। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 625 रुपये का 8% ज्ञात करो, यानी कि 8% कितना होगा आपको बताना, 8% ज्ञात करो। तो सबसे पहले दोस्तों ये बताओ कि 625 रुपये का 8% कितना होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ये बताइए, आप जब 625 का 8%, अब 8% को क्या करेंगे, 8% का मतलब होता है दोस्तों 2/25, कितना हो जाता है, 2/25 होता है अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें। लेकिन अगर हमें 8% लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि 625 × 8/100, यही तो लिखोगे, 8/100 लिखोगे ना भाई। 8% का मतलब, 8% मतलब 100 में से 8 है ना, 100 का 8। तो बस आपको क्या करना है, बस इसी को डिवाइड कर देना है। अब आप मान लीजिए भाग दोगे तो आप लिखोगे यहाँ पर कितना कि 4 × 8 और यहाँ पर 4 × 8 = 4/25, यानी कि 2/25 लिख दिया आपने, यही तो लिखा 2/25। अब आपने क्या किया कि जब 2/25 आ गया तो 625 × 2/25, यही तो लिख सकते हो आप। अब आप क्या करोगे, आप 25 से क्या करना है,
अब 25 यानी कि जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, आ जाएगा हमारा 50। कितना जाएगा, 50। यानी कि 50 जो है क्या जाएगा, जब 625 गुणे 225 को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 25। 25 बार जाएगा ना, 25 25 से हम 625, तो 25 बार गया तो 25 दूनी 50, यानी कि 50 जो है क्या है, 50 रुपये बराबर 8%। क्या है, 50 रुपये बराबर 8%। तो 8% मतलब 625 रुपये में 50 रुपये है वह कितने परसेंट के बराबर है, 8% के बराबर है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम इसी तरह से समझेंगे, सेम मेथड पर, इसी पैटर्न पर। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे है कुछ प्रकार, जैसे 400 रुपये का, क्या है, 400 रुपये का, 400 रुपये का, रुपये का 20% क्या होगा, 20% क्या होगा, 400 रुपये का 20% क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात करें, अब आप क्या बोलोगे, बोलोगे कि 400 × 20/100, यही तो लिखोगे। अब बात समझिएगा, 400 रुपये का 20%, तो परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से, है ना। तो जब 00, ये 0 कट जाएगा, दोनों 0 कटेगा, तो 20 दुना कि 20 चौक कितना होता है भाई, 4 × 2 = 8, यानी कि 80। 80 रुपये कितना है, परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर। आ गया आंसर कि नहीं आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोला 400 रुपये का 20% बताओ, तो आपने क्या किया, 100 था तो 100, यानी कि इस 100 भाई 20% का मतलब लिखा नीचे 100 लिखा ना, तो 2 0 ये और 2 0 ये कट गया, तो 20 20, यानी कि अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 2 = 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 रुपये। 80 रुपये कितने परसेंट के बराबर है, 20% के बराबर, कितने में, 400 रुपये में। तो कोई भी वैल्यू हो अपने आप में हमेशा कितनी क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो 400 रुपये का 20% कितना हुआ। अब 20% को आप दोस्तों एक और तरीके से लिख सकते थे, अगर मान लीजिए आपने बोला है 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि 400 का गुणे 1/5, 1/5 का मतलब कितना जगह यहां पर, 5 × 48, और यहाँ पे 80%, तो भी 80% आ रहा है। तो ये कुछ फैक्टोरियल नहीं कि कुछ भिन्न है जो हमें याद होना चाहिए, कि 20% का मतलब आप 1/5 भी लिख सकते थे, यानी कि 400 का, 400 का 1/5, यानी कि 400 का 1/5 कितना होगा, तो आपने बोला, सीधा बोला कितना, 80, तो यही 20% के बराबर हो गया। ठीक है, तो कुछ आपको भिन्न है जो फैक्टोरियल है, आपको याद होना बहुत जरूरी है, जब आप याद रखेंगे तो आपको बहुत फास्ट जो है परसेंटेज के सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब आइए, जैसे कि मान लीजिए एक और क्वेश्चन है हमारा है, समझते हैं पहले ध्यान से, बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लीजिए परसेंट के बारे में, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया वो आपको लास्ट में बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कि 3/5, 3/5 को, ठीक है, का प्रतिशत के समतुल्य कितना होगा, 3/5 का प्रतिशत है, क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, 3/5 का प्रतिशत है, प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, 3/5 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कितना प्रतिशत दीजिएगा, कितना प्रतिशत के समतुल्य होगा, समतुल्य होगा या समतुल्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3/5 प्रत्येक 100 में से, 100 में से 100 का 3/5 कितना होगा, परसेंट में बताना है, तो काट दीजिए, 5 × 2 = 10, 20 × 20 = 60, यानी कितना हो जाएगा, 60 है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी, 3/5 है ना, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 को हम कैसे लिख सकते, 3/5 लिख सकते थे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 3/5 का अगर प्रतिशत के समतुल्य लिखें, तो 100 का 3/5, यानी कि 100 का 3/5 भाग बोलना है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60% अगर लिखा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 60/100 ही तो लिख सकते हो। अब काटोगे तो 20 × 3 = 60, 20 × 5 = 100, 3/5 आपने लिख दिया था कि 3/5। तो ये 3/5 को जब हम किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो हमेशा उस भिन्न के आगे क्या करते हैं, गुणा करते हैं 100 का, 3/5 है तो गुणे 100 कर देना है, तो कर दीजिए, 20 हो जाएगा, 20 × 3 = 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, जैसे लिखा हो 3/8 लिखा हो, तो 3/8 को परसेंट में बदलना है, तो जब आप इसको परसेंट में बदलेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वो जाएगा 37 1/2, है ना, कितना हो जाएगा, 37 1/2% हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें भिन्न में क्या करना हो, भिन्न से परसेंट में बदलना हो या परसेंट से भिन्न में बदलना हो, तो हम हमेशा इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, हमेशा 100 से क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है।
क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, क्लियर। तो बस आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगली वीडियो में पार्ट टू में हम जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि अब आपको ब्रेक करने की जरूरत मुझे नहीं लगता नहीं होगी, और मेरी तबीयत भी अब ठीक है, काफ़ी ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर आपको वीडियोज़ अब मिलती रहेगी, ठीक है। और जो मैंने शेड्यूल बताया वो शेड्यूल पर बहुत तेज़ी के साथ काम होगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल पर नए हो, अभी आप पहली फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो फटाफट जो है अपने दोस्तों के साथ ढेर सारे जो भी ग्रुप हैं आपके पास, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियोस को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास यहाँ पे देखिए नंबर लिखा हुआ, इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू वेरी मच।